दुनिया भर में भारत। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत को पड़ोसी देशों के जरिए घेरकर दबाव में लाने की कोशिश करने वाले चीन का दांव उल्टा पड़ गया है। हालत यह है कि अब चीन अपने ही दांव से खुद ही चित हो चुका है। यह कहीं ना कहीं मोदी की सशक्त कूटनीति का नतीजा है। कल तक आंखें दिखाने वाला चीन आज खुद ही दुविधा में दिख रहा है। स्थिति यह हो गई है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच चीन की बाहरी और आर्थिक चुनौतियां बढ़ गई है। हांगकांग कोरोना और दक्षिण चीन सागर मामले में अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देश अचानक चीन के खिलाफ हमलावर हो गए हैं, जबकि चीन के साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक हुआवे के विश्व बाजार में अलग थलग पड़ने से राष्ट्रपति शी जिनपिंग की घरेलू मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ गई है। एक सप्ताह पहले तक चीन की भारत को पड़ोसियों के जरिए घेरने की कूटनीति कामयाब होती दिख रही थी। खासतौर से नेपाल जिस तरह से खुद को चीनी मोहरा साबित कर रहा था, उससे एक बार की तो भारत भी टेंशन में आ गया था। नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली पूरी तरह चाइना की झोली बन गए थे। यह चीनी धोती छाप जिनपिंग की बीन पर बीजिंग का नाग बनकर थिरक रहा था। मगर अब बदली परिस्थितियों में नेपाल खुद राजनीतिक संकट में है और बीजिंग के इस नाग की पूंछ भारत की जूती के नीचे दब चुकी है। जहां से यह जिनपिंग की ओर तो भागना चाहता है, मगर ज्यादा जोर लगाया तो दुम के टूटने का डर भी सता रहा है। नेपाल के साथ साथ भारत ने अपने खिलाफ श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार को भड़काने की चीनी रणनीति को नाकाम करने में सफलता हासिल की है। म्यांमार ने तो खुद खुलेआम चीन पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। म्यांमार के सेना प्रमुख ने चीन पर आरोप लगाया है कि वह उनके देश में मौजूद दहशतगर्दों को हथियार दे रहा है, जिससे म्यांमार की शांति में अड़ंगा डाला जा रहा है। यानी चीन की चालबाजियों का अकेला शिकार भारत ही नहीं, बल्कि उसके तमाम पड़ोसी भी उससे परेशान हैं। चीन के साथ ले देकर कंगाल और भिखारियों का ठेकेदार पाकिस्तान खड़ा है। पाकिस्तान की हालत उस कुकुर जैसी है जो 100 दरवाजे पर टुकड़ा मांगने जाता है, मगर बासी खिचड़ी उसे एक ही दरवाजे पर मिलती है। ऐसे कुकुर और मालिक का यह रिश्ता जरूर कहीं स्थिर नजर आता है, पर पाकिस्तानी पीएम की दिक्कत यह है कि उसकी नीतियों पर अंदरूनी सवाल उठ रहे हैं। भारत ने जिस तरह कूटनीतिक बिसाते बिछाई है, उसमें चीन के साथ पाकिस्तान को भी अलग थलग पड़ने का डर सता रहा है। पाकिस्तान लंबे समय तक चीन का आंख मूंद कर साथ नहीं दे सकता है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की तमाम जरूरतें चीन से पूरी नहीं होती है, बल्कि उसे दूसरे दरवाजों से कचरे पर जाने वाली झूठन की भी दरकरार है। यानी कचरे में मुंह मारता यह मदरसा मुल्क इस वक्त दुविधा मुल्क बन गया है। वैसे भी पाक की मुल्ला कौम कचरा भक्षण में अभ्यस्त मानी जाती है। खास बात यह है कि एलएसी पर तनाव के बीच एक सप्ताह पूर्व तक कई देश तटस्थ दिखाई दे रहे थे। चीन और पाकिस्तान इसको लेकर उत्साहित हुए जाते थे, मगर इसी दौरान अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश खुलकर भारत के पक्ष में आ खड़े हुए। इस अचानक बदलाव से भी पाकिस्तान के विदेश विभाग ने इमरान को चेताया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने चीन को घेरने के लिए एशिया में सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है। खासकर ये दोनों देश साउथ चाइना सी में चीन को सबक सिखाने के संकेत दे रहे हैं। इन देशों के भारत में इस तरह साथ आने से पड़ोसी देशों में भारत के प्रति विश्वास बढ़ा है। चीन से दूर होने की इन देशों की वजह यह भी माना जा रहा है। पश्चिमी देशों में एकजुटता लाने में भारत के योगदान को भी नहीं नकारा जा सकता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों में मतभेद काफी बढ़े हुए थे, मगर कोरोना वायरस और चीन की विस्तारवादी नीति से नाराजगी के चलते यह देश आज एकजुट हुए हैं। हांगकांग में चीनी कानून के थोपने से यह गुस्सा और एकजुटता और अधिक बढ़ गई है। इससे पहले साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और जापान जैसे देश पहले ही खार खाए बैठे थे। इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार ने जिस तरह से चीन के खिलाफ व्यूहरचना की है, उसमें केवल चीन ही नहीं फंसा है, बल्कि उसके साथ खड़ा होने वाला पाकिस्तान भी इसमें फंस गया है। नेपाल तो चतुर निकला, जो मामला उलझने से पहले ही घरेलू राजनीतिक उठापटक में उलझ गया। अब यह वास्तविकता भी दुनिया को पता लग गई है कि पाकिस्तान का ऊंट किस कदम ताल पर चलता है। यानी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में पाकिस्तान और चीन अकेले खड़े होकर डबरू बजाएंगे। खासतौर से खाड़ी देशों में भी पाकिस्तान चीनी चाटुकार के रूप में स्थापित हो गया है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि पाक के मदरसों से निकली तैमन छाप कौम को केवल पिछवाड़ा गिराना उठाना ही आता है। इन्हें कूटनीति के बजाय छल नीति सिखाई जाती है। आज यही मदरसा तालीम इनकी तशरीफ का संकट साबित हो रही है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान चीन का वो कुकुर बन गया है जो न दुनिया का हुआ और न खुद ही चीन का हुआ। इसी के साथ अनुमति दोस्तों,
जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।